गुड मॉर्निंग सब भाई और बहनों, आप सभी कैसे हो? हम भी ठीक है। ये देखिए, हम सुबह सुबह खाना खाकर सो गए हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बच्चे पास में सो गए मेरे। ये भी बोल रहे हैं आप नहीं उठोगे तब तक मैं भी नहीं उठूंगी, तो बच्चे पास में ही बैठे हैं और मैं सो गई हूँ यहाँ पर। थोड़ी बहुत सिर दर्द और पेट दर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ा आराम करके बाद में काम लगूंगी। तो आप सब भाई और बहनों कैसे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो में आगे बने रहना। सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है मेरी वीडियो में। ऐसे ही प्यार सपोर्ट आशीर्वाद आप बनाए रखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। यहाँ पर जितेंद्र बैठा है, मम्मी का इंतजार कर रहे हैं कि मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए तो बाहर चलेगी। और महेश तो मेरे पास सो गए हैं, बोल रहे हैं मम्मा उठ जाओ, क्या हो गया मम्मा आपके? तो आगे बने रहिए वीडियो में, दिन भर में क्या काम करते हैं वो दिखाने की कोशिश करूंगी। देसी खान पान, देसी रहन सहन, देसी बोली, देसी वीडियो बताने की जरूर कोशिश करते हैं। और ऐसे ही प्यार सपोर्ट आप मेरे साथ बनाए रखना सब भाई और बहनों। सब भाई बहनों कैसे हो? तो हमारे अब बरसात का टाइम आ गया है, तो हम खेत में जो खेजड़ियों सांगरी के टाइम काट कर रखते हैं उसको इकट्ठा करने में लगे हुए। ये देखिए, ये मैंने बना लिया है बंडल, इसको उठाकर करूंगी एक जगह इकट्ठा। तो आज हमने लगभग सारा कर लिया है, सुबह से इसी काम में लगे हुए थे। चलिए आगे बताती हूँ मैंने कितनी लकड़ियाँ एक जगह इकट्ठी कर ली है और खेत को साफ कर लिया है जुताई करने के लिए, क्योंकि अब बरसात का टाइम आ गया है। तो खेत जुताई करने के लिए पहले खेत को साफ करना पड़ता है, तो वो इसी काम सुबह से लगे हुए हैं खेत को साफ करने के लिए। ये देखिए इतनी सारी आपको पीछे लकड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये इतनी बची है और ये एक बंडल बना लिया है मैंने। ये लेकर अब जाऊँगी और जितनी लकड़ियाँ इकट्ठी की वो आपको बताऊँ। ये देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसान को तब जाके खेत जुताई के समय। ये देखिए इतना बड़ा बंडल है मैंने उठा लिया है और हवा भी बहुत तेज है, लेकिन खेत को साफ करना बहुत जरूरी है। तो इसी काम में सुबह से लगे तो थोड़ा बहुत कर लिया, रोज 12 बजे सुबह से लेकर 12 बजे तक हमेशा काम करते हैं। अभी लगभग बच चुके हैं 12, तो ये लास्ट बंडल ले जाऊंगी मैं और इसको जहाँ इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ रखूँगी। और उसके बाद गाय भैंस को सारा डालना है दोपहर का, वह डालूंगी, स्नान पानी करेंगे, कपड़ा धोना सब काम बाकी है। तो हमेशा किसान का तो यही काम होता है, सुबह लाने का कहाँ टाइम मिलता है, कभी कभार मिल जाता है, लेकिन आज तो ये लकड़ियों इकट्ठी करनी थी। ये तो पहले स्नान कर लेती हूँ तो वापस धूल से मट्टी से हो जाते हैं, तो गर्मी बहुत तेज होती है, दोबारा नहाना पड़ता। तो आज मैंने स्नान सुबह जल्दी नहीं किया, काम लग गए सुबह नाश्ता करके, और ये काम थोड़ा बहुत कर लिया, थोड़ा बहुत जो बाकी बचा वो कल भी करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और बहन की सपोर्ट जरूर कीजिए। आपका प्यार सपोर्ट आशीर्वाद मेरे तरफ है आप सब भाई बहनों, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। यहाँ लाकर मैंने बंडल डाल दिया है, इसको छोटा कर देंगे देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर मेरी वीडियो पर आप नए हैं तो
तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटी का बटन जरूर दबाएं, तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और आपकी बहन की वीडियो नए नए देखने को आपको हमेशा ऐसे ही मिलेंगे। तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट लार आप बनाए रखिए। मैं इसी उम्मीद इसी आशा के साथ आपके साथ लेकर आती हूँ हमेशा नया वीडियो और मेरा काम। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो और मेरा ये काम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे साथ बने रहिए। आप सब भाई बहनों को जय श्री कृष्णा जय श्री राम। ऐसे प्यार दुलार सपोर्ट आशीर्वाद सब कुछ है, वैसे ही बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, कल और नए वीडियो लेकर आएंगे। आप सभी को राम राम कुमार गणी जय श्री कृष्णा जय श्री राम। बाय बाय सभी को समझकर प्यार सपोर्ट दुलार वीडियो पर जरूर कीजिए। बाय बाय जी, बाय बाय।